आरोग्य विषय कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित है अकोला ही नहीं बल्कि पूरे विदर्भ में प्रख्यात सेक्स रोग और मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक केड़कर। डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। नमस्ते। डॉक्टर साहब, ये एक ऐसा विषय है सेक्स, इसके ऊपर काफी लोग बोलने में हिचकिचाते हैं और कोई कार्यक्रम भी अगर आप देखते हैं तो काफी इसे अच्छा नहीं माना जाता, तो लैंगिक समस्या के बारे में लोग जो है इतना हिचकिचाते क्यों? ऐसा है कि हमारे समाज में, हमारे देश में सेक्स मतलब ऐसा कुछ तो भी सीक्रेट है जी, सेक्स मतलब ऐसा बुरा माना जाता है जी। हालांकि सेक्स अत्यंत मतलब पवित्र है ऐसा, क्योंकि हम आप जो भी पैदा हुए वो कहां से हुए? सेक्स से पैदा है ना जी। मगर हमारे यहाँ ऐसा ओपनली सेक्स के बारे में बात नहीं की जाती जी। बोलते कि नहीं, वो एकदम मतलब समझो ऐसे हस्बैंड वाइफ भी बैठे हैं ना, पति पत्नी बैठे हुए हैं और आपस में ना पास में बैठे हुए अच्छी बातें भी कर रहे हैं और उधर से बच्चा आता है तो एकदम तुरंत वो बाजे हो जाएंगे। गलत किया है, ये अपने संस्कार है, वजह से होते आ रहा है, चलते आ रहा है जी, इसलिए चलो ये। डॉक्टर साहब, जहाँ पे सेक्स की अगर बात आई तो सबसे पहले सबसे ज्यादा अगर लूट या आदमी अगर डिप्रेशन में जाता है तो वो नपुंसकत्व लेकर, लैंगिक शिथिलता हम जिसको कह सकते हैं, तो उसको लेकर सबसे ज्यादा उसके मन में एक भावना बचपन से लेकर जवानी में लेकर जब उससे शादी होती उसके बाद भी कहीं तो भी, चाहे कितना भी सक्षम पुरुष उसके मन में कहीं ना कहीं तो ये बात आती है कि मुझे कमजोरी है या मुझे लैंगिक शिथिलता है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखो, एक तो ऐसा है कि हार्ट अटैक एक बार आ गया ना किसको जी, हृदय विकार जी जी, उसका अटैक आ गया जी, तो आदमी सहन कर लेगा जी, बिल्कुल ठीक है, हार्ट अटैक आ गया ना उसका इलाज कर लेगा जी। सेक्स में भी अपन नपुंसकत्व है जी, या मुझे नपुंसकत्व आया हुआ है जी, या मैं सेक्स करने लायक नहीं हूँ जी, या लैंगिक समस्या मुझे है जी, ऐसा थोड़ा भी उसको ऐसा डाउट आ गया या ऐसा थोड़ा विचार भी आ गया जी, तभी वो एकदम डिस्टर्ब हो जाता है जी। ये कुछ तो भी भयंकर बीमारी हो गई और अपन अभी, मैं खुद भाई अभी आदमी में नहीं रहा, अभी मैं पुरुष नहीं हूँ जी, मतलब वो ख्याल भी आ गया जी, तो उसके दिमाग में पूरा वो चालू रहता है, चालू रहता है, उससे वो डिप्रेशन में चले जाता जी, उससे वो एंग्शियस हो जाता है, एंग्जाइटी, घबराहट, बेचैनी, चिंता, और वो होने के बाद में अभी मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा जी, मैं मेरे पत्नी के नजर में जी ऐसा कम हो जाऊंगा जी, मतलब अभी फिर वो विचार चालू हो जाता जी, और फिर उससे फिर और वो डाउन हो जाता हूँ और डिप्रेस हो जाता जी, और फिर वो चक्र दुष्ट चक्र में आ जाता हूँ जी, बिल्कुल। तो एक बार कभी कुछ हुआ नहीं उसका परफॉर्मेंस हुआ नहीं, एक बार वो कर नहीं जी, 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 उससे वो फिर डाउन होते जाता जी, और डाउन होते 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 फिर और गहराई में चले जाते कि अभी अपन कुछ काम के नहीं रहे और नपुंसकत्व आ जाता जी, फिर वही घर में झगड़े होना, चिड़चिड़ाहट होना, जो खींच है वो पत्नी पर निकालना है, बच्चों पर निकालना, इससे प्रकार शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, जो जैसे हमने लैंगिक समस्या का विषय रखा है तो वे युगों में भी उसका प्रमाण पाया जाता है? हाँ, मतलब ऐसा है, देखो कि सेक्स कर नहीं सकना मतलब जी, लिंग में शिथिलता आना या शिथिल हो जाना जी, या मतलब उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं कर सका उसका, मतलब नपुंसकत्व आया भाई, वो अभी सेक्स नहीं कर सकता जी, है ना, नस में कमजोरी आ गई जी, तो ये एक तो ऐसा हो सकता है कि एक तो 35 साल के नीचे समझो हो जाता है जी, इसको ऐसा जी, तो उसके कारण अलग होते हैं जी, और 35 साल के बाद में समझो ऐसा हो जाता है तो उसके कारण अलग हो सकते हैं जी। जैसा युवक में मतलब जवान लोगों में जी, जी बच्चे हैं जी, तो बच्चा जैसा यूजुअली भी आजकल तो ऐसा हो जाता है कि 13-14-15 साल के बच्चे जी उनको सेक्स कैरेक्टरिस्टिक आना शुरू हो जाते हैं, उनके सेक्स भावना शुरू हो जाती है जी, 15-16 साल के, इसमें 14 में भी होता है जी, और फिर वो सेक्स की बातें करना चालू करता है। आजकल तो ऐसा हो गया, सोशल मीडिया है जी जी, व्हाट्सएप है, फेसबुक है जी, तो बहुत ही ज्ञान लोगों को हुआ है अभी जी, और फिर उसको वो भावना निर्माण हो जाती है वो सब देख के देख के जी, और फिर उसमें वो कहीं ना कहीं जाके कोशिश करता है जी, और कोशिश करके वहाँ फेल हो सकता है जी, क्योंकि वहां जब जाता है तो डर रहता है जी, कोई मुझे देख लेगा जी जी, कोई देख लेगा तो क्या होगा जी, या फिर मैं, मेरी गर्लफ्रेंड है जी जी, उसके साथ में मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा जी, उसके नजर में गिर जाऊंगा क्या जी, तो फिर ऐसा होता है कि भाई उस समय उसको डर लगता है और वो डर डर के इसमें समझो वो कुछ परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, कुछ एक्शन लेता है वहाँ, और वहाँ तो फिर वहाँ वो फेल हो जाता है, उसके मन में एक धारणा बैठ जाती कि मैं जो हूँ इसमें आदमी में नहीं हूँ, नपुंसकत्व हो गया, लैंगिक शिथिलता है, उसको जानकारी अधकचरा ज्ञान होने के कारण वो ऐसा हो जाता है, इस प्रकार की समस्या आ सकती है, और वो 35 साल के नीचे
समझो ऐसा होता है जी, मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ 35 साल जी, उसके नीचे होता है तो समझ जाना कि भाई ये साइकोलॉजिकल है, मानसिक कारणों की वजह से ऐसा हुआ है जी, उसके लिए शारीरिक कारण नहीं जी, मानसिक मानसिक। इसका मतलब ऐसा भी नहीं कि 35 साल के बाद में हुआ तो मानसिक नहीं है, ऐसा भी नहीं, मतलब मोटा मोटा हिसाब में आपको बता, एज के हिसाब से उसके अंदर थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है कि 35 साल के नीचे तो साइकोलॉजिकल कारण, मानसिक रूप से वो नपुंसकता उसको आगे ऐसा समझ जा सकता है, मतलब उसका उसका साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है।